देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर, ये जनरल कोच है और अब तो फाइनली पुलिस भी आ गया है यहाँ पर उतारने के लिए। देखिए हम लोग एस कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पर जितना सारा भीड़ था कोई चप्पल भी फेंक के चला गया, कितना ज्यादा भीड़ था यहाँ पर, और सबको यहाँ से खाली किया जा रहा है। देख सकते हैं जैसा कि लग रहा है एकदम पूरा डस्टबिन जैसा बना दिया है पूरा ट्रेन को। और अभी आए हैं साहब जी हमारे जो उतार रहे हैं सबको। सबको बाहर में निकाल दे, देख रहे हैं सब बाहर में खड़ा है। गुंटूर जंक्शन में है अभी हम लोग। मारने का हक आप लोग है क्या? पब्लिक को बोलो हेलो सर, मारने का हक आपने तो धमाल लगे से मारपीट मारपीट मारने का हक आपको है। इसको मारा ना, मार के दांत सुझा के किसको मारा है, किसको मारा है? आप चाकरी करते बोल के तू मारेगा? आप स्टार्ट ही मारा बोल को बोल को बोल को टाइम आपका भाई संजय जी जैसे ट्रैवल करता है एसी थ्री टायर में, थ्री ई में, इकोनॉमिक क्लास में या सेकंड क्लास में, बहुत ही जबरदस्त लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन इस बार रफ एंड टफ जर्नी होने वाला है क्योंकि मुझे हम सपनों में भी नहीं सोचे थे जो मेरा टिकट का बुकिंग नहीं होगा। हम पूरा एकदम हार्ड एंड फास्ट ट्राई किए थे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी पता नहीं कैसा रहे का अगर टिकट है तो ये है रिजर्वेशन कोच, तो इसमें कैसे आप चढ़ेंगे? ये देखिए कितना यहाँ पर जाम है, सबको निकाला जा रहा है एक एक करके। क्या करेगा सर, बताइए बताइए, ऐसा ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बोले तो पता है तो फिर घुसेंगे क्यों नहीं? देख सकते हैं कितना जाम लग गया है चारों तरफ, फिर भी चल रहे हैं। उसके से राइट टाइम है 3:55 और थोड़े टाइम बाद अभी छुला जाएगा, फिर से भर चुका है। और टीटी साहब भी मेरे जैसा भी फोटो चालू कर दिया, देखिए संभाल नहीं पा रहा इसी वजह से, टीटी साहब भी पूरा चालू कर दिया है फोटो चालू कर दिया फिर से खींचने के लिए, टीटी साहब भी संभाल नहीं पा रहे हैं। कोई कोई तो मेरा ऊपर भी गुस्सा हो रहा है क्यों भाई वीडियो कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, और आज हम लोग का फोर्थ डे हैदराबाद में। तो हम लोग जस्ट अभी लंच वगैरह कंप्लीट करके चलेंगे ट्रेन में, और हम लोग को जैसे कि कल हम बुकिंग किए तत्काल टिकट काटे फलकनामा एक्सप्रेस, हम लोग को फर्स्ट टाइम मिला है, इस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ और नाखुश भी हूँ क्योंकि मुझे इस बार एसी टू टायर या थ्री टायर नहीं मिला। बस 2 मिनट में जो थोड़ा सा भी शेड्यूल था 31-34 ऐसे ही कुछ सीट था जो सडनली फिलअप हो गया, तो मुझे जनरल कोच में इस बार मिला, जनरल नहीं स्लीपर कोच में मिला, सॉरी।
तो स्लीपर कोच हम लोग का कंफर्म टिकट है फलकनामा। सिकंदराबाद से हम लोग इस बार ट्रेन पकड़ेंगे और उतरेंगे हावड़ा, फिर हावड़ा से उतर के आसनसोल जाएंगे। पूरा जर्नी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और आपका भाई संजय जी, और एक बार मेरा ग्रैंड न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये रहा हम लोग का छोटा सा रूम जिसमें हम लोग थे इस बार, और वेंकट नगर रायसू विला बंजारा हिल्स लोकेशन है, और जस्ट एलबी प्रसाद का पीछे में हम लोग इस बार रहे हैं। और हम लोग लंच वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं, लंच थाली नहीं ऑर्डर किए थे, सारा कुछ मिक्स करके खाना वगैरह खाएं, जैसे कि मछली लिए थे साथ में, थोड़ा इस बार करेला भुजिया मुझे मिला जो मुझे बहुत ही पसंद था, लास्ट दो दिन नहीं मिला लेकिन आज मिला है। और साथ में रात का भी खाने का थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करा लिया, रोटी रोटी नहीं यहाँ पे चपाटी बोलता है, तो चपाटी पैकिंग कर लिया है, साथ में करेला भुजिया अंडा फ्राई वगैरह सारा कुछ पैकिंग कर लिया, थोड़ा सा चुटुर पुटुर खाना भी साथ में ले लिया, और बैग पैक रेडी हो गया, देख सकते हैं भर चुका है मेरा बैग। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे उतरते हैं, ऑटो बुक कर लिए हैं रैपिडो, वन सेकेंड, रैपिडो हमने बुक किया और इस बार प्राइस लिया यहाँ से सिकंदराबाद का 180 रुपया प्राइस अभी दिखा रहा है। तो हम लोग नीचे फटाफट उतरेंगे और चलेंगे ऑटो में, चलेंगे सिकंदराबाद में, फिर सिकंदराबाद से जाके आपसे मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आपका अपना चैनल ईशान ट्रैवल्स में। अभी रेडी हो गए, यहाँ पर हम लोग का ऑटो आ चुका है, हम लोग इसमें अभी चलेंगे सिकंदराबाद। तो चलिए ऑटो में चढ़ते हैं और सिकंदराबाद में जाकर मिलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सिकंदराबाद जंक्शन में, और यहाँ से हम लोग जाएंगे जैसे कि हावड़ा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, रोड तो थोड़ा सा जैम था लेकिन 27 मिनट में पहुँचा दिया, आधा घंटा भी नहीं लगा जैसा हमने पूरा चेक किया घड़ी में। और जैसे कि अभी देख रहे हैं जंक्शन का सामने है, काफ़ी ज़्यादा अंदर में भीड़ है, इसलिए पापा को एक जगह पहले बैठा दिए। और हम लोग का ट्रेन का टाइमिंग है 3:55 में, फलकनामा एक्सप्रेस जो छोड़ती है आपका सिकंदराबाद से हावड़ा तक का। तो जर्नी बहुत ही बढ़िया होने वाला है फ्रेंड्स, देखिए बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में और देखते रहिए आपका अपना चैनल ईशान ट्रैवल्स में। मेरे पीछे में सामने में है इंक्वायरी डिपार्टमेंट, वहाँ पे जाके हमने पूछ लिया जो कौन सा प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने वाले हैं, तो वो लोग ने कहा 2 प्लेटफॉर्म में अभी फलकनामा लगने वाला है, अभी तक टाइम नहीं हुआ है, इसलिए हम तो आज सैर कर रहे हैं स्टेशन का। सिकंदराबाद में अभी जो महीना चल रहा है, अभी तक ठंडी का मौसम आप लोग तरफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इधर में साउथ में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए कोको का जो भंडार है वो ओपन हो चुका है, थम्स अप कोको कोला, साथ में हम भी ले लिए एक थम्स अप, क्योंकि यहाँ पर गर्म बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग प्रेफर करते हैं रियल नीड हर समय जब ट्रैवल करते हैं, इसका पानी बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा वगैरह खा पी के फिर हम लोग चढ़ेंगे अभी ट्रेन में। तो अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में चढ़ेंगे वही प्लेटफॉर्म में अभी आ चुका है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरे पीछे जस्ट आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा फोटो सेशन भी हो जाए साथों साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का, और आगे से भी लेने का हम एक बार कोशिश कर रहे हैं, तो बने फ्रेंड्स वीडियो में। हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं और मेरे पीछे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस है। काश ये ट्रेन में मैं ट्रैवल कर पाता तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता, लेकिन अभी तक लॉन्ग ट्रेन अभी तक लॉन्च नहीं किया है इंडिया में, जर्नी लॉन्ग जर्नी अभी तक लॉन्च नहीं किया है। हालांकि स्लीपर क्लास आप सो के नहीं जा सकते हैं, बैठ के ही ट्रैवल कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो देख लीजिए और एक बार, वंदे भारत का मौका नहीं मिलेगा देखने का। एक्सप्रेस ये ट्रेन अभी जाने वाले हैं सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, और जो ट्रेन है बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग जर्नी तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया है, तो सैर करा दिए एक बार वंदे भारत एक्सप्रेस का, लाइक बहुत ज़ोर से हो जाए एक बार फ्रेंड्स। स्लीपर कोच में आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त भीड़ है, पता नहीं कैसे ट्रैवल कर पाएंगे, इतना जबरदस्त भीड़ है। और टिकट हम लोग का कंफर्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है स्लीपर कोच में भी, और जनरल से तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एसी में आदत है, लेकिन तकलीफ करके जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन का बुकिंग वगैरह नहीं हुआ है इस बार सही से, तो हम लोग तब भी प्रीमियम तत्काल में बुकिंग करने का कोशिश किया। तो चलिए सफ़र में देखते हैं क्या कुछ होता है नहीं होता है, तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में और देखते रहिए। हम लोग का दोस्त कोच नंबर है A6, और हावड़ा तक का सफ़र बहुत ही टफ एंड रफ एंड टफ रहेगा, क्योंकि पता चल रहा है स्लीपर कोच में ट्रैवल करना मुमकिन भी नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इतना भीड़ है देख सकते हैं मेरा पीछे में,
पूरा एकदम लगेज से भरा हुआ है, बहुत कोई बहुत ज़्यादा सामान वगैरह भी कैरी करता है जब जाते हैं कलकत्ता हावड़ा जब जाते हैं। और आप लोग देख रहे हैं भीड़ आज ट्रेन का, अंदर में भी जैसा भीड़ रहेगा ऐसा बाहर में भी भीड़ है। तो चलिए कैमरा को मूव करते हैं और आपको सारा चीज़ और एक बार दिखाने का कोशिश करते हैं। पर कोच है लेकिन यहाँ पर चढ़ने के लिए कैसा भीड़ करके रखा है दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में देख सकते हैं कितना भीड़ करके रखा है। ये देखिए कितना यहाँ पर जाम है, सबको निकाला जा रहा है एक एक करके। क्या करेगा सर, बताइए बताइए, ऐसा ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बोले तो मेरा काटा है तो मैं गुजरेंगे क्यों नहीं। देख सकते हैं कितना जाम लग गया है चारों तरफ, फिर भी चल रहे हैं। उसके जैसे राइट टाइम है 3:55 और थोड़े टाइम बाद अभी छुला जाएगा, फिर से भर चुका है। और टीटी साहब ने मेरा ये सभी फोटो चालू कर दिया, देखिए संभाल नहीं पा रहा इसी वजह से। टीटी साहब ने पूरा चालू कर दिया है फोटो चालू कर दिया फिर से खींचने के लिए, टीटी साहब ने संभाल नहीं पा रहे हैं। कोई कोई तो मेरा ऊपर भी गुस्सा हो रहा है क्यों भाई वीडियो कर रहे हैं। का अगर टिकट है तो ये है रिजर्वेशन कोच, तो इसमें कैसे आप चढ़ेंगे? स्लीपर का कंफर्म है, वेटिंग है, वेटिंग मान्यता तो नहीं देता है, वही तो पूछिए। वो वेटिंग का बोल रहा है मान्यता तो नहीं देता है, पूछिए उससे। आपका भाई संजय जी जैसे ट्रैवल करता है एसी 3 टायर में, 3E में, इकोनॉमी क्लास में या सेकंड क्लास में, बहुत ही जबरदस्त लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन इस बार रफ एंड टफ जर्नी होने वाला है, क्योंकि मुझे हम सपनों में भी नहीं सोचे थे जो मेरा टिकट का बुकिंग नहीं होगा। हम पूरा एकदम हार्ड एंड फर्स्ट ट्राई किए थे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी पता नहीं कैसा रहेगा सफ़र, तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में और देखते रहिए कैसा रहता है आज का सफ़र। गेट देखा ना उधर, गेट पर सलमान आने दे। हाँ कौन था? मैं कुछ बोल रहा हूँ। और बहुत सारा कोई झमेला कर रहा है, जो काउंटर टिकट जहाँ पर मिलता है वेटिंग लिस्ट का, वो तो रेल मान्यता देता है लेकिन ऑनलाइन से मान्यता नहीं देता, इतना हमको पता है। अभी अंदर जाके देखते हैं। एक बंदे का पास काउंटर टिकट था लेकिन उसको भी बोल रहा है मान्यता नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ঘর আটকে দিয়ে দিয়ে চুপ করে শুনবে কার মানে করো টিভি কার মানে मानने का हक आप लोग है क्या? अपने को बोलो हेलो सर, मानने का हक आना तो धाम वाला गेल से मारपीट मारपीट मानने का हक आप लोग है इसको मारा ना मार के दांत सुझा के किसको मारा है किसको मारा है आप चाकरी करते बोल के तू मारेगा आप स्टार्टिंग मारा बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। Okay.
है, वो है जब टेडी बियर अभी चाचा लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा टेडी बियर टेडी बियर लेके आ रहे हैं, कहाँ इसको ठहराएगा भाई इतना बड़ा टेडी बियर का। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नालगोंडा जंक्शन, और क्योंकि हम लोग नीचे नहीं उतर पाए इतना भीड़ की वजह से, इसलिए ट्रेन का अंदर रह के शूट करना पड़ा। और दोस्तों अभी हम लोग 280 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अभी उतर चुके हैं घुंटूर जंक्शन में, और घुंटूर जंक्शन में ट्रेन हमें रुकने वाला है 5 मिनट, और जनरल जैसा लग रहा है पूरा जनरल कोच ही हो गया, इतना ज़्यादा भीड़। ब्लॉग्स सही से नहीं बना पा रहे हैं, सच में दोस्तों आप सभी से कह रहे हैं ब्लॉग्स मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि स्टेशन में ट्रेन रुक रहा है लेकिन उतरने का मौका नहीं मिल रहा है इस वजह से। तो चलिए एक बार घुंटूर जंक्शन आपको दिखा देते हैं। कैसे निकाल दें यहाँ पे, जितना सारा भीड़ था कोई चप्पल भी फेंक के चला गया, कितना ज्यादा भीड़ था यहाँ पे, और सबको यहाँ से खाली किया जा रहा है। देख सकते हैं जैसा कि लग रहा है एकदम पूरा डस्टबिन जैसा बना दिया है पूरा ट्रेन को। और अभी आए हैं साहब जी हमारे जो उतार रहे हैं सबको। अरे जाएंगे कहाँ बताओ, चलो चलो चलो, सबको बाहर में निकाल दे, देख रहे हैं सब बाहर में खड़ा है। घुंटूर जंक्शन में है अभी हम लोग, जैसे कि देख रहे हैं घुंटूर जंक्शन में है, पसीना देख सकते हैं कितना गर्मी लग रहा है अंदर में, सफोकेशन जैसा लग रहा है अंदर में पूरा, इतना पैसेंजर ज़्यादा हो चुका है, 2 बाथरूम और लगभग 150-200 पैसेंजर, इतना सारा एक बोगी में पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा पीछे जैसा देख रहे हैं सबको उतार दिया गया है अभी, और हम लोग तो प्रीमियम तत्काल स्पेशल बहुत रुपया खर्चा करके जा रहे हैं, लेकिन जैसा लग रहा है 400-500 रुपये में जा रहे हैं, जनरल ट्रेन में जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। सबको उतार रहे हैं देख सकते हैं, फोटो भी खींच रहे हैं साहब जी। देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर, ये जनरल कोच है, और अब तो फाइनली पुलिस भी आ गया है यहाँ पर उतारने के लिए। देखिए हम लोग इस ये सिचुएशन है, चढ़ने तो नहीं दे रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, बैग रखने का जगह नहीं है, ऊपर से आप लोग चढ़ रहे हैं। जनरल में क्यों नहीं चढ़ रहे भैया, जनरल में कहीं नहीं, जनरल में दादा जनरल में चढ़ने का कोशिश करो, कोशिश करो जनरल में चढ़ने का, क्या कोशिश नहीं कर रहा है, क्यों क्यों नहीं, जनरल टिकट है तब आप लोग क्या कर रहे हैं खड़ा होकर, आप लोग उतारो पकड़ के, आप लोग पकड़ के उतारो दूसरा सिक्योरिटी लेके बड़े बड़े बड़े।
बरौनी ₹500 देने से ऑर्डर तक लिख सकता है, ऑर्डर से दूसरा दोस्तों अभी हम लोग हैं खुर्दा जंक्शन में और 1087 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद खुर्दा जंक्शन रोड में अभी हम लोग पहुंच गए हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब क्या बोले अलग ही रहा इस बार। स्लीपर कोच में ट्रैवल करना देख सकते हैं कितना भीड़ ज़्यादा है इस बार। लोग खुर्दा जंक्शन क्रॉस करने के बाद आ चुके हैं भुवनेश्वर में जो उड़ीसा का कैपिटल है और यहाँ पर धाइकिरीगिरी जो शब्द है बहुत ही ज़्यादा माना जाता है और यहाँ पर है हमारा पूरी जगन्नाथ का मंदिर। जय जगन्नाथ बोल के और एक बार सबको गुजारिश करें जो सब मिलकर और एक बार मेरे साथ बोले जय जगन्नाथ। और भुवनेश्वर में पहुँच गए हैं अभी, टाइमिंग जैसा हो रहा है 10:35। ट्रेन तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट नहीं है फलकनामा का और मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं भीड़ इस बार स्लीपर कोच में। बार बार एक ही चीज़ हम आपको बोलने का कोशिश कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस बार स्लीपर कोच में, जैसा कि हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग के एसी कोच नहीं मिले फ्रेंड्स। तो चलिए मूव करते हैं, कैमरा को आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं भुवनेश्वर न्यू जंक्शन में और जितना सारा नया नया जो वहाँ पर फ्लैट वगैरह बन रहा है वो भुवनेश्वर न्यू जंक्शन का है ये। और अभी हम लोग उतर चुके हैं, देख रहे पूरा एकदम खाली खाली है। और दोस्तों न्यू भुवनेश्वर क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं कटक स्टेशन में और यहाँ पर हॉल्टिंग टाइम है 2 मिनट। तो ये रहा कटक स्टेशन, आपको इधर से भी एक बार दिखा देते हैं। और यहाँ पर अभी 2 मिनट ट्रेन रुकने वाली है, उसके बाद ट्रेन अभी छोड़ेगा। সব সিঙ্গারা ভেজিটেবিল সব ভাবে সব সিঙ্গারা ভেজিটেবিল
तो दोस्तों ये स्टेशन हम लोग कहाँ पर आए हैं आपको अगर मालूम नहीं है तो बता देते हैं, जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेशन है हमारा खड़गपुर स्टेशन में। तो अभी हम लोग खड़गपुर स्टेशन में जस्ट पहुँचे और जैसे घड़ी में टाइम हो रहा है 4 बज चुका है और इसका बाद सातरागाछी उसका बाद हावड़ा पकड़ेगा। तो यहाँ पर होल्डिंग टाइम है फ्रेंड्स 5 मिनट यहाँ पर रुकने वाले हैं। तो अभी हम लोग खड़गपुर जंक्शन में, बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ पर टोटल 22 प्लेटफॉर्म है और लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है इन एशिया का। तो चलिए इस बात में एक लाइक हो जाए फ्रेंड्स। खड़गपुर स्टेशन गेटवे है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, जो हावड़ा से कनेक्ट करता है चेन्नई का और चेन्नई को कनेक्ट करता है और ये टाटा नगर को भी कनेक्ट करता है आपका खड़गपुर जंक्शन से। तो इन्फॉर्मेशन का मुताबिक एक प्लेटफॉर्म में 2 कोच 2 ट्रेन एक बार में खड़ा हो सकता है हमारे जंक्शन में, हमारे खड़गपुर जंक्शन में। किसको देंगे बोल, एक करंट में जलेगा और चार्ज देंगे आपको, बोलो 4 घंटा। फाइनली भी घुस चुका है सातरागाछी में और देख सकते हैं अंधेरा हो गया और लास्ट एक स्टेशन बाकी है हावड़ा के लिए। तो जर्नी कैसा लगा प्लीज आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। हम लोग उतर रहे हैं तो कितना जैम देख सकते हैं और इधर में मेट्रो का काम चल रहा है। हावड़ा मेट्रो का काम इधर से चल रहा है, देख सकते हैं भीड़, नया प्लेटफॉर्म और हावड़ा मेट्रो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। यहाँ पर ट्रेन मेट्रो अभी उतरने वाला है और इसका काम वगैरह चल रहा है। और ये रहा हमारा हावड़ा स्टेशन, वर्क इन प्रोग्रेस। से उतारा अभी 18 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोग को उतारा। तो हम लोग जा रहे फिर हावड़ा से ट्रेन पकड़ के चलेंगे आसनसोल तक और देख सकते हैं डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग है यार। पीछे में मेरा जैसा काम हो रहा है मेट्रो का और मेट्रो का सडनली ओपनिंग है 6 तारीख से मेट्रो का ओपनिंग है यहाँ पर। इधर में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, अभी ये पूरा पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है और इधर से हम लोग घुसेंगे अभी मेट्रो स्टेशन 1-15 प्लेटफॉर्म नंबर ये है और इधर में पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। तो हम लोग अभी उतर चुके हैं आसनसोल जंक्शन में और अंदर में जो सिचुएशन था ब्लॉक करना मुश्किल ही नहीं है, पूरा नामुमकिन है। इतना ज़्यादा भीड़, बैग रखने का एक जगह नहीं था, पैर भी रखने का जगह नहीं था साथों साथ। और ये रहा आसनसोल जंक्शन। अमृतसर मेल में हम लोग इस बार ट्रैवल किए टोटल 199 किलोमीटर। और एक चीज़ छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो हम लोग जब हावड़ा में टिकट वगैरह काटे उस समय हम लोग को 460 किलोमीटर का मिनिमम, जनरल कमरा में आप अगर चढ़ेंगे तो 460 किलोमीटर आपका भाड़ा पहले काटना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग दिए 165 रुपीज़ लिया क्योंकि बोला जो 450 किलोमीटर तक आपको मिनिमम पहले काटना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग दो आदमी टिकट काट लिए। उसके बाद जो भीड़ था खतरनाक, कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं कर पाए, थोड़ा सा फुटेज वगैरह आप जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में लेने का कोशिश किए
और डायरेक्ट उतर के आसनसोल में। तो आई होप हैदराबाद से आसनसोल तक का जर्नी भाया हावड़ा होके कैसा आपको लगा, कैसा एक्सपीरियंस आपको मिला, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मेरा हैदराबाद का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई नया जगह लेके आते हैं फिर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।